मध्य प्रदेश भूगोलिक संरचना, जलवायु, मृदा, वन, कृषि और अन्य। उज्जैन के भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। मालवा की घाटी 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र, काली एवं रोगण मिट्टी, 0 से 10% वन आधारित क्षेत्र। मक्का, ज्वार, चना, अरहर, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अफीम से पूर्व समय में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, जो हे हरिवंश ने राजा बनाया था। 120 से 200 वर्षा सेंटीमीटर में 10 से 20% अंतर्गत क्षेत्र, काली एवं रोगण मिट्टी। गेहूं और अरहर की फसल। आस के पास स्थित देवी बेसना की पहाड़ी में देवी चामुंडा और देवी तुलजा भवानी के मंदिर स्थित है। मालवा के पठार स्थित 100 से 120 वर्षा सेंटीमीटर मध्यम काली मिट्टी, 20 से 30 वन आरक्षण क्षेत्र। ज्वार, कपास, सोयाबीन। नर्मदा के तट पर होशंगाबाद शहर मालवा शासक होशंगहासा ने बनाया था। तट 120 से 400 वर्षा प्रति सेंटीमीटर में होती है। काली एवं रोगड़ मिट्टी 20 से 30 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं, चला, तिनल फसलें। पूर्व इंद्रो स्पर्श अहिल्या नगरी। मालवा के पठार 80 से 100 वर्षा सेंटीमीटर में। काली एवं रोगड़ मिट्टी 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, आलू। भोपाल शहर में 11वीं शताब्दी राजा भोज ने भोजपाल शहर बनाया था। मालवा के पठार 120 से 140 वर्षा सेंटीमीटर में मध्यम काली मिट्टी वन के 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले पीतल का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंडीय पठार 100 से 120 वर्षा सेंटीमीटर, काली एवं लाल मिश्रित मिट्टी 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं और चना फसल। शासक बादशाह ने इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर इस नगर का शाजापुर नाम दिया, जिसका नाम कालांतर में शाजापुर हो गया। मालवा का पठार 100 से 120 वर्षा सेंटीमीटर, मध्यम काली मिट्टी, रोगड़ मिट्टी, 0 से 10 वन आधारित क्षेत्र। मक्का, चना, कपास, अफीम। खिलजी ने 1301 में रणथंभौर में अधिकार कर लिया था। उसने शिवपुर में भी अधिकार कर लिया था। भारत के पठार 0 से 80 वर्षा सेंटीमीटर, गहरी काली मिट्टी, मध्यम मिट्टी, 40 से 50 वन आधारित क्षेत्र। राई, सरसों, गेहूं। यह जिले का प्राचीन नाम दिलीप नगर था। बुंदेलखंड की पहाड़ी 0 से 80 वर्षा सेंटीमीटर, काली एवं लाल मिश्रित मिट्टी, 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं और चना। जिले का गठन 15 अगस्त 2003 में जिले का विभाजन किया गया था। मालवा का पठार 80 से 100 वर्षा सेंटीमीटर, मध्यम काली मिट्टी, 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं और चना को प्राचीन काल में जोजा भूकेत के नाम से जाना जाता था। मालवा का पठार 80 से 100 वर्षा सेंटीमीटर, मध्यम काली मिट्टी, 10 से 20 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं और चना शिवपुरी भगवान शिव के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य भारत का पठार 0 से 80 वन आधारित क्षेत्र, गहरी काली मिट्टी और मध्यम काली मिट्टी, 20 से 30 वन आधारित क्षेत्र। गेहूं और सोयाबीन। यही अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।